नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। दीक्षा ऐप पर 6 और नए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। यह सभी कोर्स ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की शिक्षण तकनीक पर आधारित हैं। सभी शिक्षकों को यह कोर्स 31 अगस्त 2021 तक पूरे करने हैं। आज की वीडियो में हम नवे कोर्स सभी को शामिल करना की प्रश्नोत्तरी करेंगे। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी बच्चों को गतिविधि पुनरावृत्ति कार्य करवाने के उपरांत शिक्षक को एक और खड़े हो जाना चाहिए, सभी बच्चों के पास बारी बारी से जाकर देखना चाहिए, बहुत सी त्रुटियां निकालनी चाहिए, कक्षा अनुशासन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका सही जवाब है सभी बच्चों के पास बारी बारी से जाकर देखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा शिक्षण में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के उदाहरण हैं। बच्चे लेखन कार्य पसंद करते हैं, माइंड मैपिंग पसंद करते हैं, बोलकर सीखना पसंद करते हैं, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक बच्चे की योग्यता क्षमता रुचि एवं अभिरुचि अलग अलग होती है, ऐसे में एक शिक्षक की भूमिका में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, बच्चों में भेदभाव करना, बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करना, मार्गदर्शक के रूप में बच्चों के प्रयासों को समुचित मार्गदर्शन देना, शिक्षा में बच्चों की भागीदारी कराना। इसका सही जवाब है बच्चों में भेदभाव करना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीक सभी को शामिल करना से लाभ है। बच्चों के शिक्षण कार्य में निदान तथा उपचार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बच्चे एक दूसरे से सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को गतिविधि में शामिल कर अपने विचार रखने के अवसर देने से होने वाले लाभ हैं। बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि, विषय वस्तु पर अच्छी समझ विकसित होगी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी को शामिल करना शिक्षण तकनीक से भिन्न है। समूह गान, सहानी सुनाना, एकल प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोगात्मक कार्य। इसका सही जवाब है एकल प्रोजेक्ट कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण कार्य के दौरान बच्चे सक्रिय होते हैं। उपयुक्त शैक्षिक गतिविधि से, एकल कार्य से, लेखन कार्य से, दोहराने से। इसका सही जवाब है दोहराने से। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो में शिक्षिका ने बच्चों को गतिविधि करवाते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखा है? बच्चों की बैठक व्यवस्था का, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने का, बच्चों को समूह चर्चा के अवसर प्रदान करने का, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के परिणामों को वांछित परिणामों में बदला जा सकता है। ऑप्शंस हैं, विविधतापूर्ण शिक्षण शैली से, सकारात्मक प्रतिपुष्टि से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी बच्चों को शामिल करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा कक्ष की प्रभावी प्रबंधन की, शिक्षण पूर्व योजना निर्माण की, बैठक व्यवस्था की, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अब आप सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे और आपके कितने अंक आए वह दिख जाएगा। अगर आप यह प्रश्नोत्तरी दोबारा करना चाहते हैं तो रीडू के बटन को प्रेस करके आप कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।